नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं FS न्यूज। हमारी टीम आज एक ऐसी महिला के पास आई है जहां पे आपको बता दे कि ये अपने बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान है। उसका तबीयत लगभग काफ़ी दिनों से ख़राब है। वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं और सभी के पास सहयोग के लिए जा रही हैं। आइए हम इनके पास चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर क्या कहेंगी और अपने बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ जा रही हैं इलाज करने के लिए। हम यही कह रहे हैं भैया हाथ जोड़ के कि मेरे बच्चे के बहुत सीरियस तबीयत खराब है। डॉक्टर बोल दिए हैं लोग कि उसका किडनी में जख्म घाव हो गया है, कोई ठिकाना नहीं है, बदलना भी पड़ेगा, चाहे दवा से भी इलाज करे, बहुत लंबा चौड़ा उसको इलाज है। जो माँ बहन, जो भाई बहन, चाचा भैया स्लो से हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को जान बचा दीजिए। कहाँ मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में आदमी नहीं है। कहाँ आपके पति देव कहाँ चले गए? मेरे पति छोटे छोटे बच्चे थे तभी बाहर गया। बाहर कितना साल हो गया? लगभग लगभग 18-19 साल हो गया। अभी तक आए नहीं है वापस? नहीं, मैंने कहीं कमाने गए थे। कमाने गए थे, एक जगह सुनाए दिया कि एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो वो आदमी घर लोग गए तो वहाँ पता ही नहीं चला, उस घड़ी से कुछ नहीं पता चला। तो मैंने 18-19 साल से आप अकेले अपने बच्चों को पालन पोषण कर? हाँ, मेरे घर वाले बोले शादी कर दे रहे हैं, हम नहीं किए। बच्चे सबको लेके कहे कि नहीं, अपना मेरा बच्चा सयान हो जाएगा, मेरा सहारा बनेगा, हम नहीं किए। अपना दुख मजदूरी करके अपने बच्चे सबको पाल रहे। आपका बच्चे का बीमारी के बारे में कब पता चला? मेरे बच्चे को बीमारी का पता अब चला, कभी कुछ नहीं था, नहीं दर्द था न पीड़ा था। एक बैग उसको पेट में दर्द हुआ तो हम उसको ले गए सहनवाज डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब बोले कि अल्ट्रासाउंड लिख दिए, अल्ट्रासाउंड भी कराएं, सीटी एक्सरे भी कराएं, किडनी का जांच भी कराएं। वो बोल दिए कि इसका किडनी मतलब खराब हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, आप पटना रेफर कर दिए। जब पटना ले गए वहाँ पे दिखाएं, वहाँ भी सब ये सब जांच उच हुआ है पटना में, ये सब जांच उच कराएं, लो सी डी एक्सरे, वो भी रेफर कर दिए। तो अभी तक आपको कहीं से सहायता मुहैया हुआ है कि नहीं, सहायता राशि मिला है? हाँ मिला है, मेरा एक उनको क्या नाम है भैया, ब्लू बूम, हाँ स्कूल है जो बरड़िया में। हाँ बरड़िया में जो इसको सब मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े भैया मेरा बच्चे सब कोई 4,000-5,000 करके सब स्कूल के बच्चे हमको 13,500 रुपया ला के दिए। तो बच्चे सब संगोच किया। अब हम इतना ही कर रहे हैं कि सब भैया लो जितना है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जितना सके उतने लो दीजिए लो कि हम अपने बच्चे को इलाज करा दें, मेरे बच्चे जान बच जाए। मेरा दिल से दुआ कर रहे हैं, हम बहुत परेशान में हैं, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। हम सब भैया के लोग के पास आके रो रहे थे कोल्ली में, तो एक भैया लोग हमारा 2-4 आदमी खड़ा हुए, चंदा उंदा तहसील रहे हैं लोग, वो भी लोग कुछ इंतजाम किए हैं लोग। और पटना में हमको डॉक्टर बोले हैं जाँच करने के लिए 18,000 का, तो वो भी जांच करने के लिए पैसा जुटा रहे हैं लोग, बोल रहे हैं हम लोग साथे जाएंगे, जांच उच करवाएंगे, देखेंगे जैसा होगा और हम आगे पैसा आपको जुटाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी जांच करवाई भी है। हाँ, ये सब जांच करवा चुके हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाए थोड़ा कागजों को, देखिए ये काफ़ी जांच हुआ है उस बच्चे का। ये सब पटना के सब है, ये भी डॉक्टर रेफर कर दिए, ये भी कर दिए, देख रहे हैं लगातार इनका जांच हो रहा है। और आप लोग से निवेदन है कि एक छोटा सा प्रयास कीजिए और इस बच्चे का ज़िंदगी बचाइए। देखिए ये अपने एक्सरे रिपोर्ट भी लेकर रखी हुई है। यहाँ पे काफ़ी मतलब इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आप सभी कृपया इनको आर्थिक सहायता कीजिए। इनका अकाउंट नंबर भी है, वो अपने हम स्क्रीन पे दिखाएंगे और गूगल पे नंबर भी हम डाल देंगे। आपसे जो भी सहायता हो वो कीजिए, इनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है काफ़ी। आइए एक बार और चल के बात करेंगे।
एक बार और क्या कीजिएगा, क्या निवेदन कीजिएगा? हम यही भैया लोग से कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान है, दर्द से चिल्ला रहा है, रो रहा है, उतना पैसा मांग रहे हैं लो डॉक्टर की, हम लोग पास पैसा सकान नहीं है देने के लिए, उसीलिए हम कह रहे हैं सारे लोग भैया से हाथ जोड़ के कि कुछ भैया हमको हेल्प कीजिए लो कि मेरे बच्चे को जान बच जाए, कि हम उसको दवा इलाज करा सकें। दिल्ली भेज रहे हैं लोग, दिल्ली में बड़ा डॉक्टर एम्स डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे तो बहुत पैसा लगेगा, कहाँ से लाएंगे उतना। आइए यहाँ पे जो स्थानीय हैं इनसे हम चल के बात करेंगे कि इस बच्चे को क्या क्या सहायता राशि मुहैया करा रहे हैं और खुद भी किए हुए हैं इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ और लड़के की माँ और लड़के से उनका बात पूछे और उनका बात आप पब्लिक के सामने रखें, जनता के सामने रखें, समाज में रखें, जिनसे जो होगा वो मदद करेंगे। और हम लोग एक पुअर हेल्पर ग्रुप चलाते हैं जिसका अध्यक्ष हम हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आमिर रियाज। तो इस बच्चे की बीमारी के बारे में आपके पास कैसे पता चला कि इनकी मम्मी आपके पास कैसे संपर्क कर पाई? इनका घर तकिया पे है और अभी हम लोग जिस मकान में हैं ये मकान अली भाई का है और अली भाई भी पहले तकिया पे रहते थे, तो ये अली भाई को जानती हैं, तो ये अली भाई के पास आई और अली भाई को जहाँ तक पता है कि हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं, हम लोग इसी के लिए काम करते हैं, ऐसे ही परिवार ज़रूरतमंद परिवार के लिए काम करते हैं, तो अली भाई हमसे कॉन्टेक्ट किए। जब अली भाई हमको इनके परेशानी को बताएं तब जाके हम लोग पूरा जांच पड़ताल करने के बाद हम लोग आगे आए और इनके लिए चंदा भी हम लोग उसील रहे और खुद भी किए हैं और जहाँ तक हो सक रहा है हम लोग मदद कर रहे हैं। और आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी मदद कीजिए और कराइए। तो आपने अभी तक इनको कितनी आर्थिक सहायता का लगभग मदद किया है? हम लोग के एक भाई हैं नदीम भाई, जिनको हम दिल से सलाम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो कि आए इनके परेशानियों को आप ही के तरह जनता के सामने रखे और वो स्कूल में टीचिंग भी कराते हैं, अपने बच्चा सबको बताएं स्कूल के, तो बच्चा के तरफ से स्कूल के तरफ से लगभग 13,500 का ही हुआ है और हम लोग के तरफ से भी लगभग 7,000-8,000 का इंतजाम हुआ है और आगे भी हम लोग का काम चल रहा है। तो आप लोग ने इतनी अच्छी पहल शुरू की है जो ट्रस्ट संस्था चला रहे हैं, आप लोग इस बच्चे को ज़िंदगी बचाने के लिए कहाँ तक मदद करने के लिए तत्पर रहिए? हम लोग हर कदम उठा सकते हैं चाहे कड़ी से कड़ी हो, हमारा काम है कैसे भी गुफरान का जान बचाना, हम लोग का यही मकसद है कि कैसे भी गुफरान का जान बचाना। यहाँ पे और भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग मैंने इस बच्चे को कैसे आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं? आर्थिक सहायता जो हो रहा हम लोग से कर रहे हैं और वो बच्चा बोल रहा है कि हम जीना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा जीना चाह रहा है तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आपसे जो बन पड़ रहा है 10, 20, 500 जो भी पड़ रहा है बन। देख रहे हैं कि इनका बच्चा जो बगल में है उसी बच्चे का तबीयत ख़राब है, वो ये इनकी माँ है और ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लोगों से सहायता के लिए गुहार लगा रही हैं कि इनके बच्चे की ज़िंदगी बचाया जाए। बच्चा बाबू बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको? पेट में पूरा दर्द रहता है हमेशा, काफ़ी रोज़ रात में दर्द होने लगता है, रात भर हम लोग परेशान हो जाते हैं, दवा खाते हैं तो थोड़ा बहुत सही रहता है जब तक दवा का असर रहता है, फिर दवा असर ख़त्म होने के बाद काफ़ी दर्द होने लगता है, हम लोग बहुत परेशान हैं इससे, हम सही होना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, इस बीमारी से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। मम्मी काफ़ी परेशान हो जा रही है? मम्मी तो बहुत परेशान हो जाती हैं हमें देखती हैं तो, लेकिन हम अपने से हौसले रहते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, दर्द बहुत होता है लेकिन बर्दाश्त करते हैं मम्मी का मुंह देखकर, लेकिन तब भी दर्द उपटता इतना काफ़ी कि बर्दाश्त नहीं होता है हमसे, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रोज़ हमेशा दर्द होता रहता है, इससे दर्द से बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। क्या कहना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से भाई से, पापा, चाचा से,
चैनल और आप लोग से कहना चाहते हैं कि बस मैं जीना चाहता हूँ, आप लोग बस थोड़े से मुझे हेल्प कीजिए कि मैं जी सकूँ, इसमें इस बीमारी से छुटकारा पा सकूँ। आप लोग से बस हाथ जोड़ से विनती करूँगा कि बस मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलवाइए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुफरान है। तो आपने देखा कि गुफरान बाबू का कहना है कि हमें जीना है, आप लोग हमारी ज़िंदगी बचा लीजिए। इनकी मम्मी काफ़ी परेशान है। कृपया जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया एक छोटी सी राशि इनको प्रदान कीजिए जिससे इनकी ज़िंदगी बच सके। आप सहायता करें और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से कहना ये चाह रहे हैं कि वो चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लें। और ये बच्चा जो कह रहा है कि हम जीना चाह रहे हैं, तो इसकी ज़िंदगी हम लोगों के हाथ में है, तो हम लोग पैसा देंगे, सहायता करेंगे, तो उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। और सारे लोगों के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, ये तो नहीं है कि इसी के लिए खड़े हैं, हम लोग सारे लोगों के लिए खड़े रहते हैं। स्थानीय जो यहाँ पे नेता, विधायक, एमपी है, उनके द्वारा कुछ आर्थिक सहायता नहीं हुई है? ऐसा तो कोई सहायता अभी हम लोगों के पास नहीं चल के आया है। आप लोग गए हैं कि नहीं? अब ये तो हमारे अध्यक्ष साहब बताएंगे कि ये गए हैं कि नहीं गए हैं, ये तो वही जानते हैं, हम तो जानते नहीं हैं। लेकिन हाँ, स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं और हम लोग खुद उसमें शाम का शाम जाए कलेक्ट करते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील कीजिएगा? उनसे यही अपील करना है कि आप लोग चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लें और इस चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं वो ये लोग आए और आके ये करें, मदद करें। गूगल पे और अकाउंट नंबर आपने अपने शो किया है? शो कर देगा आज? हाँ, शो कर देगा। पहले भी किया हुआ एक चैनल के माध्यम से? जी जी जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद वारिस सिद्दीकी।